चलेंगे सीधा करोल बाग, यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। और ये देख लो गाड़ी, अभी कुछ भी नहीं है गाड़ी में, फुल बेस मॉडल है। तो कि यहाँ पे लाइट लगवाई है हमने, ये रिमोट है इसका, रिमोट से ये चेंज। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल, माय नेम इज दिव्यांश, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो भाई अपना आज सुबह टाइम हो रहा है, 9 बज चुके हैं, आज हम जा रहे हैं करोल बाग। अपने भैया उन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल लिया, तो उसको हम टॉप में कन्वर्ट करवाएंगे। आज करोल बाग जा रहे हैं, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा पूरी डिटेल में कि कैसे क्या क्या लगवा रहे हैं हम इस गाड़ी में, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, सब कुछ A to Z। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस ब्लॉग में, पूरा एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं, फिलहाल बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और एक धन्नो ये मैंने मंगाई है, इसको चलाएंगे अब। तो बस तो लेट्स गो भाई, अपना निकल रहे हैं। ये रही अपना स्कॉर्पियो क्लासिक बेस मॉडल, निकल लिए अपना। चलेंगे सीधा करोल बाग, यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। चलो डायरेक्ट मिलते हैं करोल बाग में। लो जी भाई, पहुंच गए करोल बाग और बस यहाँ का जाम हो गया स्टार्ट। 600 मीटर बच गया, थोड़ा सही है बस। रेड लाइट स्टार्ट। चलो ये आगे करोल बाग की मार्केट, और आते यहाँ पे सबने हाथ देना कर दिया चालू। हाँ मैं जहाँ जाना है वो दुकान ढूंढते हैं एक बार, वहाँ जाके पहले एस्टिमेट लेंगे, फिर देखते हैं काम का। साढ़े 11 जी भाई पहुंच गए अपना करोल बाग, यहाँ पे अपनी गाड़ी होगी, शॉप तो पीछे है, यहाँ पे गाड़ी होगी। और ये देख लो गाड़ी, अभी कुछ भी नहीं है गाड़ी में, फुल बेस मॉडल है। तो सब कुछ पहले फेंडर वेंडर पेंट वेंट कर का पूछेंगे, सब कुछ बिल्कुल रॉ गाड़ी है। तो भाई हो गया अपना रेट वेट सब फाइनल, सब कुछ अलॉय वलॉय सब कुछ। रेट वेट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और गाड़ी हमारी मिलेगी कल। तो आज शाम तक पहले यहाँ काम कराएंगे, और फिर उसके बाद कल एक बार दोबारा आके, क्योंकि मेन जो उसके फेंडर पेंट होने हैं उसको सूखने में टाइम लगेगा, तो गाड़ी कल लेने आनी पड़ेगी हमें दोबारा। पहले आज शाम तक काम कराएंगे, फिर उसके बाद गाड़ी के लिए आएंगे दोबारा कल। अभी गाड़ी लगानी है साइड में, चलो वो गाड़ी साइड में लगा देते हैं। तो ये भाई अपना गाड़ी में काम स्टार्ट हो गया, ये फेंडर खुलना स्टार्ट, ये सब जाएगा पेंट के लिए। अभी गाड़ी पहचान में नहीं आएगी थोड़ी देर में, अंदर सारी सीट्स खुल गई है फ्लोरिंग के लिए, और ये सारे पूरे नए लगेंगे, चेंज होके दूसरा आएगा, सारे गत्ते ये जितने भी हैं। देखते जाओ पूरी पूरी गाड़ी कैसे खुलती रहेगी। अभी ये S2 S11 हो जाएगा अभी, ये भी भाई सारा सामान आ गया। ये GVA के फॉग लैंप्स आ गए हैं, और फॉग लैंप्स नहीं है वो है जिसमें बल्ब चेंज करा रहे हैं, क्योंकि लाइट चेंज नहीं करा रहे हम, ओनली बल्ब चेंज करा रहे हैं। लाइट अप्रॉक्स डबल ही जा रही थी दोनों लाइट चेंज कराने में, तो इतना खर्चा करके फ़ायदा नहीं है। ये सारा खोल दिया उन्होंने, अब यहाँ से डंपिंग स्टार्ट होगी, और ये फेंडर भी खुल ही रहे हैं यहाँ के, ये पेंट के लिए जाएगा भी, और यहाँ सीट कवर का काम चालू हो रहा है सारा अंदर ही। तो मीटर में कन्फ्यूज़ है, मीटर चेंज करवाएं या ना करवाएं, स्टीरियो सिस्टम के लिए खुल गया सारा, और जुकाम हो रहा बहुत तगड़ा भी फिलहाल। तो स्पीकर के लिए भी खुल गया, स्पीकर भी आ रहे हैं, स्पीकर भी दिखाते हैं क्या 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 डलवा रहे हैं हम, कौन सी कंपनी का है।
ये अपनी हेडलाइट के बल्ब चेंज हो रहे हैं। ये बल्ब है 180 वाट के, ये कंपनी है और 180 वाट। एक उसमें दो बल्ब है ना, क्योंकि अगर हम प्रोजेक्टर वाले चेंज करवाते डीएल वाले और डबल रेट के पड़े तो नज़री है नहीं, उसमें भी हैलोजन ही आ रही थी, फिर उसमें बल्ब चेंज कराओ तो फ़ायदा नहीं था, तो नॉर्मल बल्ब ही चेंज करा लो। क्योंकि आप पूरी लाइट लोगे, लाइट आपको कॉस्टिंग करेगी 16-17 हज़ार रुपये की, फिर उसके बाद बल्ब 14-15 हज़ार रुपये के, 30-32 हज़ार रुपये आपको लाइटें पड़ेंगी, तो सिर्फ बल्ब ही चेंज करा लो आपके लिए सही रहेगा, काफ़ी अच्छी थ्रो मिलेगा लाइट का, शिफ्ट करो काम हो रहा है। अंकल बकेट फिटिंग कर रहे हो ना, टैन कलर के स्वीट कॉर पसंद किए थे मैंने। ये देखो भाई, ये लाइट का थ्रो जलाना, भाई चलाना। ये नॉर्मल थी हमारी और ये हमने जो चेंज कराई 180 वाट वाटी हुआ, रात में बस चलेगा मेन इसका थ्रो तो। ये देखो अपनी दोनों लाइट्स, डिपर लगाना डिपर, ये लाइट्स का थोड़ा रात में मेन पर चलेगा बट काफ़ी सही है, अभी तो बहुत कम बचा है गाड़ी में, कर दो बंद। तो ये भाई अपना लंच आ गया और यहीं बैठ के खाना पड़ेगा, क्योंकि खाने कहीं बैठने की जगह ही नहीं है, सब जगह गाड़ियाँ दिखाता हूँ क्या अभी इसमें। इसमें वेजीज, बॉयल्ड चिकन और ब्राउन राइस, और साथ में बताइए कौन सी सॉस दी इन्होंने, खाते हैं इसको। तो भाई ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स तो लग गए, ऊपर पूरी रूफ खोल रखी है, ऊपर रूफ रेल लग रही है, और पीछे स्पॉइलर भी आ गया, स्पॉइलर भी लग रहा है, और यहाँ पे रिंग खुल के लगेंगी, रिंग भी आ गई हैं, धीरे धीरे काम हो जा रहा है सारा। तो भाई सुबह से बैठे बैठे 6 बज गए हैं और अभी आधा काम भी नहीं हुआ, अभी दिखाता हूँ क्या क्या अलॉयस लग रहे हैं अभी फिलहाल, और लेडी विलीडी लग रही है, अभी सीरी सीरी कुछ भी नहीं लगा, अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या लगा, क्या क्या नहीं लगा, एक मिनट। ये इसमें भी अलॉय गए हुए वाले लग रहे हैं, पीछे के अलॉय लग चुके हैं, ये पीछे की लाइट लग चुकी है, यहाँ की लाइट लग रही है, स्टीयरिंग कंट्रोल दिखाया जा लग गए हैं, हॉर्न लग चुका है इसमें, ये हॉर्न लग चुके हैं, और ये अलॉय S11 वाले टॉप मॉडल वाले, और अभी यही काम हुआ है, अभी लाइट्स वगैरह आगे की लग रही हैं, एक दो लगवानी है, और सीरीज स्ट्रीट सिस्टम ये पड़ा है, स्पीकर लग रहे हैं, बहुत सारा काम है, बस रात को छोड़ के जाएंगे गाड़ी को थोड़ी देर में, और ये फुट रेस्ट लग रहा है, गाड़ी छोड़ के जाएंगे क्योंकि इसके जितने फेंटर हैं सब पेंट होने के लिए गया हुआ है, स्पॉइलर अभी आया नहीं है, वो भी आ जाएगा, तो थोड़ी देर में घर निकलते हैं, तो कल आएंगे दोबारा गाड़ी लेने। इसमें डबल डैम्पिंग हो रही है, अंदर हो चुकी है और बाहर की भी हो रही है, ऐसे पीछे पाँचों में, और ये भी है यहाँ पे पिलर लाइट्स लगा रहे हैं, नई गाड़ी का क्या हाल कर दिया देखो, पूरी खोल दी, ये आगे वाले टायर भी अलॉय लग के, और यहाँ पे दोनों आगे वाले टायर खुल रहे हैं, ऐसे गाड़ी कितनी ऊंची लग रही है, ये डैम्पिंग भी होगी उधर की हो रही है, तो ये गाड़ी भाई आगे की लाइट्स भी लग गई, यहाँ पे लाइट लगवाई है हमने, ये रिमोट है इसका, रिमोट से ये चेंज होती रहेंगी ऐसी, ये इसके मोड्स हैं बहुत सारे, ABCD, और
सही है ना, बढ़िया लग रही है। चलो भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से गाड़ी छोड़ के, यहीं पर ही अभी ये काम चल रहा है, कल मिलेगी गाड़ी 2-3 बजे तक, तो कल आएंगे, फिलहाल निकलते हैं चले। हाँ ना ना कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत ही मेट्रो स्टेशन, मेट्रो की वेट कर रहे हैं। बहुत भीड़ है मेट्रो में। सो फाइनली भाई घर आ गया, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और इस ब्लॉग को करते हैं पर ये एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बक 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 चलती रहती है इसकी पूरा दिन। बाय, गुड नाइट।